गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी गुड इन दिस लॉकडाउन. टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर नेक्स्ट पोयम, अ रोड साइड स्टैंड, कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दिस इज वेरी गुड पोयम, अ रोड साइड स्टैंड, कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एज यू नो दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ही वॉज अ गुड पोएट एंड ही वॉज बॉर्न इन 1874 and he died in 1963. So Robert Frost was an American poet. Okay, so your first priority to know about the poet and the poem. Who is the poet and what is the name of the poem? So this poem is A Roadside Stand, composed by Robert Frost. Okay, so what is the meaning of this poem? What is the meaning of Robert A Roadside Stand? The poet wants to describe in this poetry about sympathy and humanity. The poet is saying in this poem that a roadside stand, Robert Frost presents the lives of poor deprived people. इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो गरीब लोगों की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं. जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो रोड के किनारे जो उनका घर होता है, जो सड़क होती है उनके किनारे का घर होता है, और वहाँ पे वो कुछ दुकान लगाकर ठेला होता है, खुमचा होता है, कुछ दुकान लगाकर वहाँ बेचते हैं, अपनी जिंदगी को वो जीते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो उनके बारे में बता रहे हैं, और बेसिकली वो पुअर ही होते हैं, वो पावर्टी से ग्रसित होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम पावर्टी. तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आखिर रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है. रोड के बगल के जो लोग होते हैं, जो ठेला लगाते हैं, दुकान लगा के बेचते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ दैट पीपल. ओके, सो हियर अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी. वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ भी एक सिंपैथी, सहानुभूति दिखाना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी की भावना होनी चाहिए. वी शुड शो फ्रॉम द पर्सन हु आर लिविंग इन द एज ऑफ रोड द सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी. हमें उनके साथ भी सहानुभूति और एक ह्यूमैनिटी की भावना दिखानी चाहिए, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में, कि वो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, सो अब स्टेंजा में जो पोएट क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है. सो आई एम गोइंग टू टीच लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो हियर द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. द स्टेंजा, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोयम. द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. कह रहा है कि द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा मकान है, एक घर है, वो पुराना है, ओल्ड है, वो बहुत पुराना मकान है. वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, और उसके बाहर उस घर के जस्ट बगल में एक शेड लगाया गया है. शेड मतलब होता है जिसे घर के सामने कुछ बगल में हम लगाते हैं, रखते हैं अपनी सुविधा के लिए. तो वहाँ पे एक ओल्ड हाउस है, उसके सामने हम एक लिटिल शेड देख रहे हैं जो लगाया गया है. एंड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और उस रोड के सामने, हालांकि इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे, किनारा होता है रोड के किनारे, जो उसके सामने जो मकान है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट ऑफ फ्रेज है, आप जानते हैं, उस रोड के किनारे के सामने का जो मकान है, वहां की सिचुएशन क्या है. वेयर द ट्रैफिक पास्ट, यू कैन से ट्रैफिक स्पीड, स्पीड हमारा या स्पीड का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो कार है, मोटर्स है, बस है, वो आ रही है, तुरंत वहां से स्पीड से निकल जा रही है. जितने भी ट्रैफिक्स आती हैं, उस रोड साइड स्टैंड के जो बगल का जो मकान है उसको देखती नहीं है. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जो ट्रैफिक है वो आते हैं तुरंत आगे की ओर तेजी से निकल जाते हैं. ओके, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. अब यहाँ पे कह रहा है कि अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. रोड साइड के बगल में जो मकान है, यहाँ पे कह रहा है कि पैथेटिकली प्लेड, विनती करने के बारे में बोल रहा है कि दयापूर्वक प्लेड, वो निवेदन करते हैं क्या, या हमें भी उनके लिए दया दिखानी चाहिए. यहाँ पे क्या कह रहा है, हम भी उनके प्रति दया दिखा सकते हैं. पैथेटिकली प्लेड, PLED, प्लेड में क्या होता है, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना. पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. कह रहा है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, यह कहना उचित नहीं होगा. फेयर टू से, यह कहना उचित नहीं होगा, ये जो रोड के किनारे के जो लोग हैं, वह एक रोटी के टुकड़े के लिए हमसे निवेदन करते हैं. डोल मीन्स क्या होता है, ब्रेड, टुकड़ा होता है. यहाँ पे एक डोला ब्रेड,
ये कहना फेयर नहीं होगा कि जो बगल में, जो किनारे के रोड के बगल के जो लोग हैं वो एक ब्रेड के टुकड़े के लिए हमसे वो प्रैक्टिकली प्लेट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं क्या इसके लिए? बट फॉर सम ऑफ द मनी, हाँ वह कुछ पैसे के लिए, कुछ मनी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वह कुछ रुपए की बात करते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज, और कुछ कैश के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ उनके मन में इच्छा है कि हमें भी कुछ कैश मिल जाए, किसके माध्यम से? हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज। यहाँ पे जो द फ्लावर ऑफ सिटीज है, इसका मतलब यह है कि शहर के लोग, शहर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ऐशो आराम की जिंदगी होती है, जो शहर के लोग जो इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उनके माध्यम से कुछ उन्हें पैसे मिल जाते, कुछ उन्हें भी कैश मिल जाता, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे द फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब करा है शहर की लोगों के बारे में बोल रहा है, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदिंग फेंट, जिसके जिस पैसे के माध्यम से वहाँ पे जो शहर के लोग होते हैं वो सिंकिंग का डिक्लाइन, पतन होने से बचाते हैं, नष्ट होने से बचाते हैं, एंड विदरिंग फेंट, शहर की जो साफ सफाई होती है वो धुंधली नहीं होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो विदरिंग नहीं होते हैं, फेंट नहीं होते हैं, मतलब शहर के जो पैसे होते हैं उस पैसे के माध्यम से वहाँ की जो रोशनी होती है, वहाँ की जो चकाचौंध की जिंदगी होती है वो हमेशा जगमगाती रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो पोएट कह रहा है कि वे लोग भी इसी की पॉसिबिलिटी के लिए कह रहे हैं कि हमें भी अगर कुछ मिल जाता तो हम भी अपनी जिंदगी को आगे सर्वाइव कर सकते हैं, जिस प्रकार से सिटी के लोग क्या करते हैं, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वहाँ के पैसे से, वहाँ के मनी से वह कुछ धुंधला नहीं होता है, वहाँ की जो ऐशो आराम की जिंदगी है, चकाचौंध की जिंदगी है वह धुंधली नहीं होती है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट द पोलिस ट्रैफिक पास्ट विद माइंड अहेड। इसका मतलब यह है द पोलिस ट्रैफिक पास्ट विद माइंड अहेड का मतलब यह है कि चमचमाती हुई जो गाड़ियां होती हैं, जो पुलिस जो होता है ना कि एकदम चमचमाती हुई नई नई जो गाड़ियां, जो कार है, ट्रक है, बसेज है, वो पास्ट वो तुरंत निकल जाती हैं विद स्पीड माइंड अहेड, करा कि एक स्पीड से, माइंड अहेड क्या होता है, वो बिना ध्यान दिए हुए इतनी स्पीड से निकलती हैं वो जितनी भी गाड़ियां होती हैं, जो ट्रैफिक होती है, कि बगल के लोगों को ध्यान ही देती हैं, जो रोड साइड के बगल में हैं, जो अपने दुकान लगाए हुए हैं, जिनके घर हैं, उनको ध्यान ही देती है। द पुलिस ट्रैफिक पास विद माइंड अहेड, वो बिना अपने माइंड को इधर उधर घुमाए वो एक कंसंट्रेट बना के सामने की ओर निकल जाते हैं। आर इफ इवर असाइड अ मोमेंट, और अगर एक सेकेंड के लिए, एक समय के लिए अगर वो बाय द वे अपने सिर को घुमा भी लेते हैं दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट की तरफ, करा कि अस इवर असाइड अ मोमेंट देन शार्ट आउट ऑफ शार्ट्स, आउट ऑफ शार्ट्स क्या है, फ्रेज है, इसका मतलब तो गुस्सा होना, अगर वो कुछ समय के लिए अपनी कार में से, बस में से, अपनी अगर वो बाय देख देख भी लेते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, किसको देखकर, रोड के बगल के लोगों को, वो गरीब जो लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं, उनकी कंडीशन देख के उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है, वो एकदम गुस्सा जाते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, इस प्रकार के लोग रोड के किनारे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ की जो सुंदरता को बेकार कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। कह रहा है कि द पोलिश ट्रैफिक पास विद माइंड अहेड, चमचमाती हुई जो गाड़ियां हैं वो तेजी से अपने माइंड को डिस्टर्ब किए हुए आगे बढ़ जाती हैं। और इफ इवर असाइड अ मोमेंट, और अगर एक समय के लिए, एक सेकेंड के लिए भी वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, अगर देखते हैं इधर, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत तेज उन्हें तकलीफ होती है कि किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना, कैसी इनकी जिंदगी है ना। तो यहाँ पे इतना जो स्टेंजा है ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे यहाँ पे वहाँ के लोग जो रोड के बगल में रहते हैं अपनी सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेंजा इज एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, वो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आर्टलेस पेंट का मतलब क्या है, रोड के बगल में जो स्टैंड लगाकर जो खड़े हैं लोग, उसको बोला गया आर्टलेस पेंट, ये जो बोल रहे हैं कि ब्यूटी की, जो नेचर की जो ब्यूटी है एक, उसको बिगाड़ दिया गया, इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। और एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड में क्या, डिस्ट्रॉय करना, MARRED, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं विद आर्टलेस पेंट, आप साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और वहां पे जो बोर्ड पे जो साइन लगाए गए हैं, एन फॉर नॉर्थ होता है, एस फॉर साउथ, एन और नॉर्थ और साउथ के बोर्ड भी गलत लगे हुए हैं और वो रॉन्ग साइड में लगे हुए हैं, जो साइन लगा हुआ है, जो सिंबल होता है रोड के बगल में, जो सिंबल होता है वो भी रॉन्ग साइड में है, एन नॉर्थ एंड एस साउथ, वो भी रॉन्ग साइड में, उनके मतलब रॉन्ग लग चुके हैं, गलत लग चुके हैं। अफोर्ड फॉर सोल, अफोर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और वे जो लोग हैं
जो रोड साइड के जो रोड के बगल में खड़े हैं वे ऑफर करते हैं, ऑफर क्या, ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, वो जामुन, गर्मी जामुन, वो कुछ बेरी बेचते हैं एंड इन वुडन क्वार्ट्स, कुछ लकड़ी के बने हुए बाक्स होते हैं जो आप देखते हैं रोड के बगल में आते हैं, वो उसमें कुछ जामुन वगैरह बेचते हैं, ऑफर करते हैं लोगों को, लेकिन लोग कहाँ जाने वाले हैं। आर क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स, और वहां पे क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन मतलब कह रहा है कि एक सुनहरे रंग की जो कुछ वहां पे सब्जियां होती हैं जिसकी गर्दन झुकी हुई होती हैं, क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स, और जिसके ऊपर एक सिल्वर की तरह, एक व्हाइट कलर की चांदी की तरह एक छोटे छोटे दाने निकले होते हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पीला कलर की होती है, कुछ घूमी होती है उनकी गर्दन, उसके बारे में बोल रहा है कि वो बेचते हैं। आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यहाँ बता रहा है कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, इस सुंदर इस माउंटेन सीन में एक और स्पष्ट लगती है, एक सुंदर दिखाई देता है। ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, यहाँ पे जो पोएट कहता है कि यू हैव द मनी, किसको किसको बोल रहा है, शहर के लोगों को, जो बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं, जो रिच पर्सन है, उनके लिए बोल रहा है कि आपके पास मनी है, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन तुम इतना स्वार्थी क्यों हो, सेल्फिश क्यों हो, व्हाई, कह रहा है कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, इतना आप सेल्फिश क्यों हो, यू कैन हेल्प द पुअर पीपल बट यू आर नॉट हेल्पिंग, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प द पुअर पीपल, यू हैव द मनी बट यू इफ यू वांट टू हेल्प, इफ यू वांट टू बी मीन, तुम स्वार्थी क्यों बने हुए हो, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, यहाँ पे जो जो एक वर्ड है दिस क्रॉसली मतलब होता है गुस्से से, कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो गुस्से में बोल रहे हैं, वाई कीप योर मनी, यू हैव मनी बट यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर पीपल, यू कीप द मनी, तो क्यों अपने पास इतना मनी रखते हो भाई, एंड गो अलॉन्ग, और तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही सर्वाइव करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प पुअर पीपल, यू डोंट हेल्प द पुअर पीपल, द पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मेरी शिकायत ये नहीं है, मैं इसकी शिकायत नहीं करता हूँ। कभी कहते हैं कि ये जो सुंदरता है, जो सीनरी है, उसको हर्ट पहुंच रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है इन लोगों की वजह से जो रोड के बगल में रहते हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ वॉट इज अनसेड, और यहाँ पे जो सारों की बात कर रहा है, एक ट्रस्ट की बात कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे फार फ्रॉम शहर से बहुत दूर, सिटी से बहुत दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम किसी प्रकार से गांव के बारे में बात कर रहा है कि जो रोड से दूर जो एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, वहां पे लोग अपनी जिंदगी को सरवाइव करते हैं, रोड के बगल में स्टैंड लगाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, और वे भी चाहते हैं, वे आस्क करते हैं, वो भी चाहते हैं कि शहर के जो पैसे होते हैं वे भी हमारे हाथों में आते तो हम भी कुछ फील करते, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, वे अपने हाथों में फील करना चाहते हैं, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बींग एक्सपेंड, और इस बात का प्रयास करते हैं, ट्राई करने का ट्राई करते हैं कि इस मनी के माध्यम से हम भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें, हम भी सिटी के पीपल की तरह आगे बढ़ सकें, एक सर्वाइव कर सकें, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम भी अपनी जिंदगी को वैसे सर्वाइव करें जैसे कि सिनेमा में जो मूवी होती है, जो पिक्चर्स होती हैं बॉलीवुड मूवी, उसमें जो दिखाया जाता है पिक्चर्स प्रॉमिस, जिस प्रकार से मूवी में जो लोग ऐश की जिंदगी, सॉन की जिंदगी सर्वाइव करते हैं, वैसे हम भी जी सकते हैं, ये वहाँ के लोग बता रहे हैं। मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर, यहाँ पे जो पार्टी इन पावर मतलब क्या है, पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वहाँ उनके बारे में बोल रहा है कि दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और मतलब कह रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट पैसे भेजती है, सरकार पैसे भेजती है, पैसा वहां से चलता है, बट बीच में जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं वे गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच पाते, यहाँ पे यही कह रहा है, द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वे पैसे को अपने पास रख लेते हैं, कीपिंग फ्रॉम अस, हमारे पास नहीं आ पाता है, फ्रॉम अस, वो हमसे दूर ही रहता है, पार्टी इन पावर का मतलब पॉलिटिशियन, इट इज द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किंग आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, यह एक समाचार है, यह एक खबर है, दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किंग, जितने भी यह दया से भरे हुए जो लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, आर टू बी बॉट आउट, उन्हें भी बाहर लाया जा सकेगा, उन्हें भी इस रोड साइड से आगे बढ़ाया जा सकेगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उन्हें भी दयापूर्वक इकट्ठा किया, कहाँ पे, टू लिव इन विलेज, वो भी गाँव में रह सकते हैं, कैसी जिंदगी जी सकते हैं गाँव में रहकर, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, उन्हें भी स्टोर के सामने जो थिएटर होता है उनके बगल में उनका भी रहन सहन हो सकता है, वे भी थिएटर के सामने, स्टोर के सामने अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर,
और यहाँ पे उन्हें बेसिक चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, थिंक में सोचना होता है। और यहाँ पे जब वो आएंगे गांव से निकल के, गांव में ही रहेंगे बट उनके पास फैसिलिटी होगी, तो उन्हें वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, तो उन्हें बेसिक चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रीडी गुड डियर्स, वाइल ग्रीडी गुड डुअर्स बेनिफिशियंट बीट्स आप प्रे। यहाँ पे जो कह रहा है ग्रीडी गुड डुअर्स, ग्रीडी मीन्स लालची होता है, जबकि ग्रीडी गुड डुअर्स जो होते हैं ये जो लालची लोग हैं, ये जो विलेज के पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन्हीं को बोल रहा है गुड डुअर्स बेनिफिशियंट बीट्स आप प्रे। इनको अब इनका फायदा कौन उठाता है, शहर के बड़े बड़े लोग जो जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, उनके बारे में कह रहा है, जो पॉलिटिशियन होते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डुअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, इनका शिकार करते हैं, PREY, प्रे में शिकार करना होता है, इनके ऊपर शिकार करते हैं, अपना 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 एक प्रकार से रॉ रूप दिखाते हैं। सो स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनके ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, उनका बेनिफिट, उनका एडवांटेज लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर वीट्स एंड बाय द टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और किस प्रकार से उनको कह रहा है कि दैट आर कैलकुलेटेड टू सो देम आउट ऑफ देयर विट्स, वो उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पैसे वाले, जो रिच पीपल हैं, वो कैसे उनकी बुद्धि को अपने वश में करते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, देयर विट्स एंड बाय टीचिंग, और उन्हें सिखाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं देम हाउ टू स्लीप, किस प्रकार से आराम किया जाता है, किस प्रकार से जिंदगी का आराम मिलता है, एंड किस प्रकार से वो सो सकते हैं, एंड दे स्लीप ऑल डे। और उसके बाद जब वे लोग आलसी बन जाते हैं, वही गांव पर जो अपना हार्ड वर्क करके अपनी काम करते थे, जिंदगी सर्वाइव करते थे, उनको सिखाकर आलसी बनाकर दे स्लीप ऑल डे, वही पूरे दिन सो जाते हैं। वही बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी हेल्प नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय दे आर स्लीपिंग एट नाइट एंशियंट वे, और उनकी, उन मजदूरों की, उन गरीब लोगों की रातों की नींद को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर दिया है डिस्ट्रॉय दे आर स्लीपिंग एट नाइट, वही लोग, बड़े बड़े लोग उनको ख्वाब दिखा के, उनको ड्रीम दिखा के, उनको उनकी रातों की नींद को तबाह कर देते हैं। द एंशियंट वे, उसी पुराने परंपरा की तरह, जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा थे, गरीब पहले के जो बड़े बड़े जो लोग थे, जैसे कि अंग्रेज हमारे देश में आए, मुगल आए, हमारे देश को लूटे, बर्बाद किए हैं, उसके बाद बड़े बड़े किंग हुए, वैसे ही वे लोग भी उन लोगों को परेशान करके उनकी रातों की नींद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और पुराने एंशियंट वे, प्राचीन परंपरा की तरह ही वे लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मैं फील करता हूँ, मुझे एहसास होता है, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से ही इन सब बातों को सह सकता हूँ, हार्डली।